तो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज बहुत टाइम बाद भाई घूमने का प्लान बन ही गया है। मतलब अभी लॉकडाउन खुला था मेरे ख्याल से, और काफ़ी दिनों से सोच रहा था मैं कि घूमने जाना है। आज फाइनली हम घूमने निकल रहे हैं। अब की बार मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ। बहुत टाइम हो गया था भाई फैमिली के साथ ही घूमे हुए। मतलब कभी पापा बिजी, कभी मम्मी बिजी, तो अब दोनों को फ्री टाइम मिला है और अब निकलते हैं। अभी लॉकडाउन भी खुल गया शायद, हिमाचल वगैरह में बॉर्डर वगैरह क्रॉस करने दे रहे हैं, तो दिखाते हैं आपको अपनी ट्रिप क्या रहता है। बाकी हम भाई बातें करते रहेंगे चलते चलते। आज मैं आपको अपने पेरेंट्स से भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा भाई, तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस अब हम आ चुके हैं अपने घर से 90 किलोमीटर आगे, तो देख रहे हैं कि अभी मतलब वो नहीं है, कन्फ्यूजन सी है कि कहाँ पे जाना है। हम सोच रहे हैं कि शायद स्पीति भी चले जाएँ, कैमरा हिल रहा है, क्लियर आ रहा है, चलो बाद में देखें। सोच रहे स्पीति जाएँ, पर देखते हैं शायद शिमला भी चले जाएँ। शिमला से आगे जगह नारकंडा, वहाँ तक भी हो सकता है। बेसिकली ये सारी चीज़ जा चुके हैं हम पहले, बट यूँ है कि थोड़ी आउटिंग हो जाएगी, बहुत टाइम हो गया था। तो अभी हम शायद चंडीगढ़ से 185 किलोमीटर पीछे हैं, और भाई हर जगह पुलिस कर रही है, मास्क वगैरह सब चेक हो रहा है, इसलिए मास्क पहन रखा है। वैसे तो वैक्सीन लग चुके हैं मेरे, मास्क पहन रखा है। तो भाई अब पहला ब्रेक लिया है 200 किलोमीटर बाद। भाई को हमारा घट गई, तो ये भाई हम 200 किलोमीटर आगे आ गए। मैंने करनाल क्रॉस करा है, घर वाले ब्रेक ले रहे हैं, मैंने कुछ पीने का लिया है, चलेंगे थोड़ा सा आगे उसके बाद। भाई मैंने तो सोचा था यहाँ पे सही वेदर होगा, यहाँ पे तो गर्मी है भाई बहुत ज़्यादा। फिलहाल तो करनाल क्रॉस किया है, आगे देखते हैं, उम्मीद है कि कहीं ठंड मिलेगी। तो भाई आधे घंटे के ब्रेक के बाद हम फिर से निकल पड़े हैं आगे के लिए। अब शायद सीधा चंडीगढ़ इलाज जाके ब्रेक ही लेंगे, अब तो ऐसे लग रहा है। सुबह शायद 12-1 बज रखे हैं, वहाँ पे मिलते हैं आपको। तो भाई आज अभी पता चल गया गूगल मैप हमेशा सही नहीं होता। हमें भाई पिंजौर गार्डन जाना था, वो चंडीगढ़ मतलब चंडीगढ़ से थोड़ा सा आगे है। तो गूगल मैप्स ने भाई हमने उसमें डायरेक्टली भर दिया, और भाई उसने शहर में से इतने 2-3 घंटा मारी हुई ख़राब कर दिया भाई। अब तक हम पता नहीं कसौली तक पहुंच जाते, और अब हम यहीं पर अटक के खड़े हो गए। क्या कर सकते हैं भाई गूगल मैप्स से, क्या कर बताओ। एक बढ़िया आदमी मिल गया था भाई, उसने बता दिया हम तो गलत चले जा रहे थे, वो बोला कि आप गलत आ गए हो और इधर से चले जाओ, उसने हमें छोड़ भी दिया सही। यार बारिश का मौसम हो गया पूरा, अभी यूँ लग रहा है कि बारिश आ सकती है, बट अगर बारिश आ गई तो शायद जहाँ में जाना है वहाँ पे रोक दे रास्ते, क्योंकि लैंड साइड हो जाती है, तो होप करते बारिश ना आए। बाकी मौसम देखो बाहर का, बढ़िया मौसम है भाई, एक नंबर का मौसम है वैसे अभी तो, बट लग रहा है थोड़ा बहुत काले बादल तो हैं अभी भी, देखो क्या रहता है। अब सीधा मिलेंगे आपको पिंजौर गार्डन में, बहुत सुंदर बताया जाता है, तो आज देख लेते हैं, मैं तो देखा नहीं आज तक। तो भाई हम पहुंच गए हैं पिंजौर गार्डन, पिंजौर में है ये, थोड़ा चंडीगढ़ से साइड में पड़ता है, जिम्बल में लगा लेते हैं फिर दिखाते हैं उनको। पिंजौर गार्डन, ये पीछे इसकी एंट्री थी, गार्डन कुछ भाई ऐसा है। आगे भी ऐसा कुछ मुझे लगा इतना ही है, पर आगे भी आगे दिखाते हैं। तो भाई ये बता रहे हैं कि वो पहला स्लोप था, ये दूसरा स्लोप है, इसके नीचे भी एक और स्लोप है। स्लोप मतलब पता नहीं मुझे, बस स्लोप कह रहे हैं यहाँ पे इसको। सुंदर तो है भाई,
काफ़ी पीसफुल सी जगह लगी, मतलब जिन लोगों को भाई पीस पसंद है, जहाँ पे कम लोग हों, भीड़ भाड़ ना हो, तो बेस्ट जगह है भाई हैंग आउट के लिए। ये है दूसरा स्लोप एंट्रेंस। भाई कितना स्लोप है, कोई चीज नहीं है भाई, सॉरी भाई मुझे नहीं पता, तीन ये तो दो रह गए। शायद मेरा कैमरा इसको इतना मतलब वो नहीं कर पा रहा, जस्टिस नहीं दे पा रहा, वो इतनी सुंदर है। भाई ये इतने सारे आम के पेड़ हैं, सारे जितने भी दिख रहे हैं ना, भाई कोशिश करिए आम तोड़ने की, टूटा ही नहीं भाई। से इधर आ गया है फाउंटेन, फोन डुबा देखूँगा जैसे तो वाटर प्रूफ है, दिखेगा तुम्हें अंदर शायद। इधर भाई आम बेच रहे हैं लोग, यहाँ पे बहुत सारे वो हैं पेड़ आम के, तो ये जो दिख रहे हैं ना, तो ये आम बेच रहे हैं लोग। आंटी कितने के हैं, कितने के हैं ये? 100 के 2 किलो। तो गाइज ये लास्ट वो था स्लोप जो कहना, इसके बाद पीछे कुछ नहीं है, 300 हम कवर अगर कहते हैं तो पीछे से दिख रहा है आपको। तो भाई इतना ही था, ये पिंजोर गार्डन बहुत ही सुंदर गार्डन है, पीसफुल गार्डन है। तो जो लोग आना चाहते हैं, मेरे ख्याल से इसकी फीस पता नहीं, शायद 20-30 रुपये है भाई एक बंदे की, वो तो काफ़ी सही लगा, पीसफुल और ग्रीनरी ही ग्रीनरी है भाई इधर देखो। भाई इधर से पहाड़ भी दिख रहे हैं, शायद आपको कैमरे में दिख रहे हैं पर मुझे तो ज़रूर दिख रहे हैं, तो पीछे जो है ना वो पीछे पेड़ के पीछे पहाड़ है, इसके आगे मेरे ख्याल से कसूली आ जाता है, वहीं पे जा रहे हैं हम आज। तो भाई मैं आ गया हूँ गाड़ी में, मेरे घर वाले अभी आ रहे हैं, जब तक मैं गाड़ी में मुड़ रहा हूँ। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना, अगली वीडियो तक हम पहुँच जाएंगे भाई पहाड़ों में, तो वो भी आपको देखना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आप अगली वीडियोस में देख पाओ, और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करना। आपको इस वीडियो में कोई कमी होगी, कमी लगी या वो भी बताना मेरे को कमेंट करके, ताकि मैं आगे वाली ट्रिप पे इंप्रूव कर पाऊँ। तो भाई इतना ही है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।